नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। महाराष्ट्र के अमरावती शहर में एक केमिस्ट की धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी गई। अब बताया ये जा रहा है कि केमिस्ट ने पैगंबर मोहम्मद के मामले पर जो टिप्पणी करने वाले नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था। मामले की जानकारी के बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद नुपुर शर्मा का पूरे देश में विरोध देखने को मिल रहा है। पुलिस के मुताबिक 54 साल के केमिस्ट उमेश प्रहलाद राव कोल्हे की 21 जून को हत्या कर दी गई थी और अब इस सिलसिले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यह घटना राजस्थान के उदयपुर में एक टेलर कन्हैयालाल की हत्या करने से 1 हफ्ते पहले हुई थी। उमेश की हत्या की जांच में महाराष्ट्र एटीएस की टीम जुट गई है। एटीएस सूत्रों ने कहा कि वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या इस मामले में कोई आतंकी एंगल तो नहीं। एटीएस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या उदयपुर के आरोपियों की तरह अमरावती के आरोपी ने भी यही पैटर्न इस्तेमाल किया। उधर शिवसेना के नेता दीपक केसरकर ने कहा कि मामले में कानूनी कार्रवाई होगी, हिंदुत्व ही संस्कृति है, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा दौर चल रहा है जिसमें टारगेट खोजा जा रहा है और बहकाने की कोशिश की जा रही है। हम कोशिश करेंगे कि किसी को सॉफ्ट टारगेट ना बनाया जाए। वहीं बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने अमरावती के शहर कोतवाली थाने को चिट्ठी सौंपी है। चिट्ठी में कहा गया कि उमेश ने सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा के पक्ष में संदेश पोस्ट किया था, इसलिए बदला लेने और एक मिसाल कायम करने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। देखिए, महाराष्ट्र सरकार में जो आईपीएस अधिकारी चुन के आता है वो आईपीएस बनता है तो उसका पहला चॉइस रहता है महाराष्ट्र। क्यों रहता है? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर में महाराष्ट्र हमेशा अग्रसर रहा है और शिंदे साहब के नेतृत्व में और फडणवीस साहब के नेतृत्व में ये हम करके दिखाएंगे। और जो भी आप इंसिडेंट्स बोल रहे हैं उसमें लीगल एक्शन ली जाएगी। और हिंदुत्व एक बहुत बड़ी संकल्पना है, हिंदुत्व एक कल्चर है, ना कि हिंदुत्व मतलब सिर्फ हिंदू है, ये हिंदुस्तान का कल्चर है, सबको साथ में लेके जाना है। एट द सेम टाइम अगर कुटुंब का कोई सदस्य गलती करता है तो कुटुंब का प्रमुख उसको सजा भी देता है और वो सजा देने से उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है मन में, लेकिन मेरा एक बच्चा बहक गया है तो उस बच्चे को सजा होनी चाहिए। अगर उसी वक्त उसको सजा नहीं करेंगे तो आगे चल के वो और बिगड़ सकता है, ये भी है। और दूसरे ऐसे भी होता है कि उसको अगर सुधारने का चांस है तो उसको सुधारने का चांस भी देना चाहिए। ये लीगल बातें हैं, लीगली उसको देखा जाएगा और लीगल एक्शन लिया जाएगा। और उसके साथ ये जो एक दौर चल रहा है कि किसी को बहकाओ, ये बहकावे में कोई नहीं आए, उसके लिए एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढा जाता है, तो वो सॉफ्ट टारगेट किसी को नहीं बनाया जाए, ये करने के लिए हमें एक प्रगति करनी चाहिए। और जिस समाज से अगर कोई भाग में वो बिछड़े हुए हैं, उन पर कुछ अन्याय हो रहा है प्रगति के बारे में, तो उनको भी ये न्याय दिया जाएगा ताकि वो किसी के बहकावे में आगे आए। तो महाराष्ट्र में केमिस्ट की हत्या मामले में 6 लोग फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इस समय मामले में एटीएस की भी एंट्री हो चुकी है और अब ये पूरा मसला सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि एटीएस सुलझाएगा इस मामले को लेकर। टेरर एंगल से भी इस मामले की जांच हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से उदयपुर की घटना हुई, उदयपुर में जिस तरीके से हत्याकांड हुआ उसी के साथ साथ उसी तरीके का ये जो हत्याकांड है वो यहाँ पर हुआ है। हालांकि कन्हैया लाल की हत्या से 1 हफ्ते पहले ये जो हत्याकांड है वो अमरावती में हुआ था, लेकिन इसमें इस मसले को पूरे तरीके से उठाया नहीं गया। लेकिन उदयपुर की बात करें तो वहाँ पर जिस तरीके से गला रेत कर कन्हैया लाल की हत्या की गई और उसके बाद अलग अलग नाम उसमें सामने आए हैं, इसी तरीके से उमेश की हत्या के मामले में भी लगभग 6 से ज्यादा आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में एटीएस ने भी मोर्चा संभाल लिया है और टेरर एंगल से इस मामले की जांच हो रही है। अब देखना होगा कि क्या अमरावती और उदयपुर दोनों ही केस आपस में मेल खाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस समय जिस तरीके से एक अलग ही चलन देश में देखने को मिल रहा है उसको लेकर ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात।
चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ नेता बीजेपी से मौजूद हैं और प्रवक्ता कांग्रेस से रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले रत्नाकर सिंह जी आप ही के पास आना चाहूंगी। पहले उदयपुर की घटना सामने आई और अब जब महाविकास आघाड़ी सरकार का नेतृत्व था, जब महाविकास आघाड़ी सरकार थी महाराष्ट्र में, उस समय में ये हत्या हुई है लेकिन पूरे तरीके से उजागर नहीं हुई, लेकिन अब जब सामने आई है तो इस पे क्या प्रतिक्रिया आपके रहने वाली है और इस घटनाओं का कारण क्या समझे? घटना का कारण इसके पीछे ज्यादा जाना जरूरी है, क्योंकि कोई भी घटना होती है तो उससे वो पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अगर ये घटना हुई है तो क्यों हुई है और देश में दूसरी जगह इसी तरह की घटनाएं हो रही है तो क्यों हो रही हैं? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि देश में आज जिस प्रकार नफरत की बातें फैलाई जा रही हैं, नफरत की राजनीति की जा रही है, लोगों को एक दूसरे से लड़ाने का काम किया जा रहा है, जिस प्रकार संगठन में बैठे हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता सरीखे लोग और दूसरे समुदाय के नबी के ऊपर जो है आपत्तिजनक टिप्पणी किया जा रहा है, जिस तरह से धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है, तो उससे समाज में क्या होगा? समाज में इसी तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। और मेरा ये जिस प्रकार से देखिए, जब ही नकुल शर्मा ने बयान दिया था नबी के ऊपर, तो तमाम जो है संस्थाएं जो है आतंकी संस्थाएं हैं उन्होंने भारत को चेतावनी दिया था और उसका परिणाम भुगतने के लिए आगाह भी किया था। तो देखिए कहीं ना कहीं उदयपुर की जो घटना भी सामने आई है, उस घटना में भी ये देखा जा रहा है कि आतंकी कनेक्शन कहीं ना कहीं उसमें भी उजागर हो रहे हैं। तो ये बाहर के जितने भी आतंकी ग्रुप हैं, बड़े बड़े इस्लामिक आतंकी ग्रुप हैं, वो अपने सॉफ्ट टारगेट जहां पे उनको मिल रहा है उनको अप्रोच करके और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारत की जो अपनी संस्कृति है वो देखिए कहीं ना कहीं सबको लेकर चलने वाली संस्कृति है और सबको साथ में लेकर चलने वाली संस्कृति है, लेकिन राजनीतिक वश और ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी समय समय पर इस तरह का काम करती है जिससे कि लोगों के एक समुदाय दूसरे समुदाय में बट जाए और इनको बहुसंख्यक समुदाय का जो है। लेकिन ये समझना भी तो जरूरी है कि सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों ऐसी घटनाएं हो रही है? पहले उदयपुर की घटना राजस्थान में हुई, उसके बाद महाराष्ट्र में। नहीं नहीं, कांग्रेस शासित राज्यों में हो रही है उसके पीछे भी साजिश हो सकती है। अगर अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ उदयपुर के जो आरोपी है उसका फोटो दिखाया जाता है और कहीं ना कहीं भाजपा का वो सदस्य बताया जाता है, तो अगर कांग्रेस शासित प्रदेशों में इस तरह की घटनाएं हो रही है तो ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत गहरी साजिश हो कि कांग्रेस शासित प्रदेशों को बदनाम करो और चूंकि चुनाव का समय आ रहा है इसलिए वहां पे इस तरह की घटनाएं करो जिससे कि इनको चुनावी लाभ मिले। ठीक है रत्नाकर सिंह जी, लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। विवेक श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूंगी। ये जो देश में तमाम चीजें हो रही है अलग अलग तरीके से, जहां भी नूपुर शर्मा का समर्थन किया जा रहा है उनकी गला रेत कर हत्या कर दी जा रही है, उनका सर कलम कर दिया जा रहा है जिस तरीके से कहा जा रहा है ये, और तमाम ये जो चीजें हैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि नूपुर शर्मा को आकर माफी मांगनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी अभी तक नूपुर शर्मा ने माफी नहीं मांगी है। और दूसरी तरफ कांग्रेस का ये कहना है, कांग्रेस का दावा है कि ये कनेक्शन जो है बीजेपी का आरोपी रियाज के साथ, उसकी तस्वीरें भी साझा किया पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज। देखिए मुस्कान जी, इस तरह की घटना घटी है, उस घटना को किसी के बयान से जोड़ना ये बहुत ही शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, अगर आपको शायद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी नहीं ध्यान हो तो मैं फिर रिपीट करूं। खूब ध्यान है, मेरा भी बयान है, मेरी भी टिप्पणी को आप रिकॉर्ड कर लें। किसी के बयान का प्रत्युत्तर बयान होता है, सभ्य समाज में किसी के बयान का प्रत्युत्तर ये नहीं होती कि आप किसी की गला काट के हत्या कर दें, और जो इस तरह के हत्या के कृत्य को किसी के बयान के परिप्रेक्ष्य में जोड़ के देख रहा है उसकी मानसिकता और समझ दोनों पे मुझे शर्म आती। और रही बात जिस तरह से हमारे कांग्रेस के मतलब तो आपको सुप्रीम कोर्ट पर भी शर्म आती होगी फिर। जो मैंने कहा वहां रिकॉर्ड है, उसमें बहुत ज्यादा
प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, प्रश्न करने की आवश्यकता क्यों नहीं है? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट पर भी शर्म आती होगी। देखिए, बिल्कुल मुझे शर्म आती है जो भी इस तरह की हत्या को किसी के बयान से जोड़ के देख रहा है, उसकी समझ पे, उसकी बुद्धि विवेक पे मुझे शर्म आती है। ठीक, तो मुझे लगता है फिर आपको शायद हर चीज पर शर्म आनी चाहिए एक नूपुर शर्मा के बयान को छोड़कर। नहीं, नूपुर शर्मा ने बयान पे अपनी माफी मांग ली, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोबारा मांग लीजिए, वो उस पे उनका क्या फैसला होगा ये उनका व्यक्तिगत विषय है। अब समय ये आ गया है कि बीजेपी खुद न्यायपालिका पर से भरोसा बीजेपी का मुझे लगता है उठ गया है, तभी तो ऐसी बातें कर रहे हैं श्रीवास्तव जी। नहीं, बात समझिए आप, आपने सुप्रीम, देखिए इस घटना को, ये जो उदयपुर की घटना है, ये जो अमरावती की घटना है, इस घटना को तो कोई भी सही नहीं बता रहा है। मैं तो खुद कह रही हूँ कि आखिर ये जो चीजें हो रही है, ये देश में हो क्यों रहा है, बिल्कुल गलत है। किसने आपको कहा ये बातें सही है? लेकिन इसके पीछे का जो कारण निकल कर सामने आ रहा है उसको भी आप सही नहीं ठहरा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को तो बिल्कुल आप गलत नहीं कह सकते। मुस्कान जी, कारण कोई भी हो, कोई भी कारण आपको हत्या जैसा कृत्य करने का अनुमति नहीं देता है। किसी भी कारण से आप हत्या को जोड़ नहीं सकते। हत्या हत्या होती है, बयान का जवाब बयान होता है। आप एंकर हैं, प्रेस एंकर हैं, आप वरिष्ठ एंकर हैं, आपको इतना अनुभव, बयान का जवाब बयान होता है। तमाम हिंदू देवी देवताओं की निंदा होती रही है, उसके जवाब में जवाब बयान होता है। तो यही तो मैं कह रही हूँ श्रीवास्तव जी कि वो तो घटना गलत है ही, लेकिन अगर ये चीजें अगर उनको जोड़कर देखा जा रहा है, अगर जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट ने भी ठहरा दिया है, तो अगर चैनल पर आकर, कहीं टीवी पर आकर माफी मांग ले नूपुर शर्मा, तो क्या गलत हो जाएगा? देखिए, विषय विषय आज का जो है मुस्कान जी, अमरावती में जो 21 जून को हत्या हुई उसको, चलिए ठीक है, नूपुर शर्मा पर आप बोलना नहीं चाह रहे होंगे, अब अमरावती पर ही अपनी बात रख दें। आ रहे हो रत्नाकर सिंह जी, उस पे भी बोलेंगे, ठीक है, अपनी बात रखें। महाराष्ट्र में 21 जून को जो घटना घटी उसको अभी तक महाराष्ट्र के पुलिस प्रशासन ने दबाने की कोशिश की, सत्ता परिवर्तन के बाद ये चीज खुल के आई। ये यही देख लीजिए किस तरह से कांग्रेस शासित राज्यों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और इसको किस तरह से लोग तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा, अभी आपने पवन खेड़ा का एक बयान भी बताया कि किस तरह से उस हत्या को उदयपुर की घटना में हत्यारों का कनेक्शन बीजेपी से जोड़ा जा रहा है। मैं कहता हूँ कोई भी हो, जो भी 17 की हत्या में लिप्त है, उसकी निंदा की जानी चाहिए। गुलाबचंद कटारिया के साथ तस्वीरें वायरल हुई है आरोपी रियाज की उदयपुर कांड में, किसी के साथ हो, मैं नहीं कहता किसी के साथ हो, आरोपी आरोपी है, जिसने अपराध किया वो अपराध अपराध है। इसके लिए उसकी जो अपराध की मानसिकता है, उसने कहां से पाई, मदरसे से पाई, मस्जिद से पाई, कहां से पाई, इसकी जांच आवश्यक है। ये थोड़ी विषय है कि उसने उसके किससे किसके साथ फोटो खिंचा लिया, ठीक है, ये विषय ही नहीं है। चलिए रत्नाकर सिंह जी, मुझे लगता है श्रीवास्तव जी भूल गए हैं जो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने इसको दबाने की कोशिश की, प्रशासन ने इसको दबाने की कोशिश की, वो तो वहां पर नाकामी प्रशासन की और सरकार की है ही, लेकिन अमरावती से सांसद को नहीं, आपको बेहतर पता होना चाहिए। रत्नाकर सिंह जी, सांसद का कानून व्यवस्था में कोई रोल नहीं होता मुस्कान जी, लेकिन कानून व्यवस्था में क्यों कोई रोल नहीं होता है? अगर आपके इलाके में कोई घटना हो रही है और अगर उसको दबाने की कोशिश हो रही है, तो आप उसको उजागर नहीं करेंगे क्या? सांसद का लाइन ऑर्डर में कोई रोल नहीं होता मुस्कान जी। मैं कह रही हूँ कि आप मुझे एक बात बताइए, आपके इलाके में कोई घटना हो रही है, चलिए ठीक है, सांसद का कोई रोल नहीं होता है, बतौर इंसानियत आप तो उठाएंगे उस मुद्दे को, बताएंगे ना जाकर। अगर एक एक शख्स दबाने की कोशिश कर रहा है, तो क्यों वहां पर इस तरीके की घटना हुई? मेरी बात को सुन ले मुस्कान जी, जल्दी से बताइए, मैं रत्नाकर सिंह जी के पास जाऊंगी। अमरावती की जो सांसद है, पहली बात तो निर्दल सांसद है, उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई समर्थन नहीं है, आज की स्थिति नहीं, समर्थन भी नहीं है, निर्दल सांसद है। अच्छा, और सुन लीजिए, एक लोकसभा में 5 विधानसभाएं होती है, किस विधानसभा में क्या घटना घटी, ये इतना आसान, इतना आपने आसानी से कह दिया। जब पुलिस प्रशासन इस घटना को छिपाने पर लगा हुआ है, तोड़ मरोड़ के पेश करने पर लगा हुआ है, तो उसमें सांसद का कौन सा कानून व्यवस्था में रोल होता है? सांसद तो आके मुंड के बैठे वहां पे, विधायक तो आके मुंड के बैठे, उनको थोड़ी कुछ पता चलेगा। रत्नाकर सिंह जी, देखिए मेरे जो भाई बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी, कितनी चतुराई से
चीजों को ये अपना निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं इनको कुछ चीजें हैं जो बता देता हूँ। ये कहते हैं पुलिस अपना काम नहीं कर रहे हैं। अरे भाई आप ये बताइए कि जब भी महाराष्ट्र में जो केस दर्ज होता है नुपुर शर्मा के ऊपर और महाराष्ट्र की पुलिस जब भी जाती है नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली में, तो दिल्ली की पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है, वो क्यों नहीं महाराष्ट्र पुलिस का जो है सहयोग करती है? और उसका नतीजा ये होता है कि नुपुर शर्मा जो है महाराष्ट्र पुलिस खाली हाथ आना पड़ता है, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का संरक्षण जो है अंदर ही अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी उनको दे रही है। और अगर आप चाहते हैं तो ये जो नफरती बयान इन्होंने नुपुर शर्मा जी ने जो दिया है उसकी वजह से कितने लोगों की जान गई है, उसके बाद जो हिंसा हुआ है उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई है। तो अगर किसी के बयान पे इस तरह का हिंसा होता है और जान जाती है तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं केंद्र सरकार करती है अभी तक? आप क्यों नहीं चुपचाप बैठे हैं? आप एक ऑल्ट न्यूज के रिपोर्टर को जो कि 4 साल पहले के ट्वीट के आधार पे आप गिरफ्तार करके उसको जेल में डाल देते हैं। एक व्यक्ति के बयान पे जो कांग्रेस का नेता है गुजरात में वो कोई ट्वीट कर देता है तो उसको 2600 किलोमीटर दूर बैठी आसाम की पुलिस आती है और लेके जाती है और उसको गिरफ्तार कर देती है, उस पर केस लगाए जाते हैं। लेकिन देश में इतनी बड़ी घटना होती है और जिसकी निंदा और फटकार सुप्रीम कोर्ट जैसा न्यायालय भी करता है वो आप उसको आप सुनते नहीं है और आप कहते हैं कि ये पक्षपातपूर्ण रवैया किया जा रहा है। आप तो सुप्रीम कोर्ट पे भी सवालिया निशान खड़ा करते नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह घटना जो है आज देश भर में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उस घटना की जिम्मेदार जो है नुपुर शर्मा, और नुपुर शर्मा को देश के सामने माफी मांगना चाहिए। आप किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है जो चाहे वो बोल सके। आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो है आप वरिष्ठ नेता है, आप टीवी स्क्रीन पे बोलने ठीक है। रत्नाकर सिंह जी ये बातें आपकी सारी सारी बातों से मैं सहमत हूँ। कुछ भी सुन लीजिए, वो सम्मान पूर्वक बोलना चाहिए। ठीक है, आपकी सारी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन लेकिन महाराष्ट्र में जो हुआ उसको लेकर तो सरकार की नाकामी मानिएगा, उसे तो सरकार की नाकामी मानिएगा। इतनी घटनाएं हो जाती है वहां पर और प्रशासन क्या कारण था कि वो घटना सामने ही नहीं आ पाई? और दोनों तरफ कांग्रेस ने सरकार है। सुन लीजिए, मध्य प्रदेश में जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं, देश भर में 2920 चार साल के दौरान हिंसक घटनाएं हुई हैं, उत्तर प्रदेश में हिंसक घटनाएं हुई हैं, ये सारी घटनाओं के पीछे कौन है और ये किस राज्य में हो रही है, केंद्र में किसकी सरकार है? तो एक घटना के पीछे सिर्फ कांग्रेस को बदनाम करना और उसमें भी जो आदमी लिप्त पाया गया है उसका भी कनेक्शन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता से बताया जा रहा है, आप ये कितना सही है कि आप सिर्फ कांग्रेस को कोसने में आप तो अपना समय गुजार रहे हैं, आप व्यतीत कर रहे हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में मेंटेन करिए, नफरती बयानबाजी। तो राज्य में तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना राज्य सरकार का काम होगा ना, अब राज्य में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए तो केंद्र सरकार बीच में नहीं आएगी रत्नाकर सिंह जी? देखिए लॉ एंड ऑर्डर अभी देखिए, उसके बाद भी मैं आपको बता दूं नुपुर जी, चाहे यह अमरावती की घटना हो चाहे यह उदयपुर की घटना हो, अगर इस तरह की घटनाएं होती है पहली चीज तो इसका परिणाम जो है कहीं ना कहीं नफरती जो संदेश, नफरती जो भाषा इस्तेमाल किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तरफ से उसका ही परिणाम है। और अगर उसका दुष्परिणाम जो है इस प्रकार मिलता है और कोई भी व्यक्ति, पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, और अगर किसी भी समुदाय का व्यक्ति चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय का हो चाहे बहुसंख्यक समुदाय का हो, किसी भी समुदाय का व्यक्ति अगर इस तरह के कृत्य में पाया जाता है तो उसको पकड़कर उसको उसकी जांच की जाएगी, फास्ट ट्रैक पर उसको जैसे कि उदयपुर में देखा आपने फास्ट ट्रैक पर उसकी सुनवाई की जाएगी और उसको कानून में कड़े से कड़े सजा का प्रावधान किया जाएगा। ये मांग करती है राज्य सरकार, राजस्थान की सरकार ने मांग भी किया है। तो हम अपनी तरफ से जहां पे भी जिस तरह से भी है इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो ये हम इंश्योर करना चाहते हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी यह इंश्योर करना चाहती है कि देश में उनके नेता नफरती बयानबाजी बंद करें? क्या भारतीय जनता पार्टी यह इंश्योर करना चाहती है कि देश में सारे लोगों में भाईचारा बना रहे? चलिए ठीक है श्रीवास्तव जी, बयान जो सवाल है उनका जवाब दे दीजिए। देखिए मुस्कान जी, भारतीय जनता पार्टी सनातन संस्कृति में विश्वास करती है,
और सनातन संस्कृति बहुत उदारवादी संस्कृति है, और वही कारण है कि आज इतने धर्म हिंदुस्तान में पले बढ़े, पुष्पित पल्लवित हुए। जो लोग आज सनातन संस्कृति के लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं वो भी इसी संस्कृति के छाया तले पनपे हैं, और इससे ज्यादा नफरती बयान राहुल गांधी दे चुके, कांग्रेस के नेता दे चुके हैं, भगवा आतंकवादी से लेकर के दोबारा चीज बहुत सी चीजें बता चुके हैं, बहुत से बयान ऐसे है, ठीक है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना मुस्कान जी, कोई भी भगवा आतंकवादी को आप, मैं मुस्कान जी को जवाब दे रहा हूँ, कांग्रेस अपने कर्म से बदनाम है, कांग्रेस कोई बदनाम नहीं कर रहा। अमरावती की घटना को कांग्रेस की सरकार ने छिपाने का काम किया, अमरावती की घटना को कांग्रेस की सरकार ने छिपाने का काम किया। तो ये तो कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, ये उदयपुर में बीजेपी कनेक्शन को छिपाने के लिए एनआईए को रिपोर्ट दे दी गई है, सारी कमान सौंप दी गई है, ये आरोप तो कांग्रेस का भी है। इस तरह का आरोप संवैधानिक संस्थाओं या किसी जांच को पे लगाना, जांच को प्रभावित करने की कोशिश नहीं तो और क्या है? इस तरह के कांग्रेस प्रवक्ता का ये बयान है, इससे बेहुदा बयान क्या हो सकता है? रही बात मुस्कान जी, देखिए किसी भी बयान से किसी को हत्या को जोड़ना ये बहुत गलत है। देखिए हत्या हत्या होती है, सभ्य समाज में हत्या के लिए कोई स्थान नहीं है, और उसको ये दिखाना साहब उनके बयान के कारण ऐसा हो रहा है, बयान पे उनके ऊपर FIR है, आगे कार्रवाई होगी, ये कानून का काम है। और उसके अब प्रत्युत्तर में अगर कोई हत्या करता है ये अलग विषय है, और ये हत्या करने की जो भी शिक्षा उनको कहाँ से मिल रही है, इसकी ट्रेनिंग कहाँ से मिल रही है, इसके लिए समर्थन कहाँ से मिल रहा है, इसके लिए उनको डायरेक्शन कहाँ से मिल रहा है? ठीक है, यही एक खूबी समय बीजेपी में है श्रीवास्तव जी, कि अगर कहीं पे फंस रही हो ना बीजेपी तो कैसे भी बात को घुमा फिरा कर, कहीं भी घुमा फिरा कर साफ निकल जाती है और खुद को क्लीन चिट दे लेती है। आप मेरी बात सुनिए, सभ्य समाज की आप बात कर रहे हैं, सभ्य समाज में हत्या की हिंसा की कोई जगह नहीं है, मैं मानती हूँ, मैं समर्थन करती हूँ आपकी बात का, लेकिन सभ्य समाज में अगर आप सभ्य समाज की बात करते हैं तो उस समाज में इस तरीके के बयान की भी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, बयान अगर आपको समाज को सभ्य बनाना है तो सभ्यता सीख लीजिए। नहीं मुस्कान जी, आप भी सभ्यता सीखें, हमारी भी बात को गंभीरता से सुने, मैं भी जनता से आपको अपनी बात बता रहा हूँ। मैं नूपुर शर्मा के बयान का समर्थन नहीं करता, ना पार्टी समर्थन करती है। उन्होंने जिन स्थितियों में बयान दिया उसके बाद उन्होंने माफी मांगी, माफी मांगने के बाद आपसे पूछ, आप कानून चलाएंगे, ये कानून का काम है, ये कानून तय करेगा, ये कानून तय करेगा उन्हें गिरफ्तार करना नहीं करना है, ये कांग्रेस कार्यालय नहीं तय होगा, तो ये बीजेपी कार्यालय में भी तय नहीं होगा। श्रीवास्तव जी, ये बीजेपी कार्यालय में भी तय नहीं होगा कि एक FIR पर मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6-6, 7-7, 8-8 FIR पर नूपुर शर्मा फ्री घूम रही है बाहर, ये भी बीजेपी कार्यालय में तय नहीं होगा। रत्नाकर सिंह जी, आखिरी कमेंट आपका। देखिए मैं यही कहूंगा मुस्कान जी कि भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्रीय एजेंडा है कि किसी भी प्रकार का अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कांग्रेस को बदनाम करो। मैं ये अभी इनकी एक बात उदाहरण दे देता हूँ। एक अभी कुछ दिन पहले एक शिवलिंग को खंडित कर दिया गया था अलवर में, तो उसमें ये बात पहले तो ये खूब हो हल्ला किए कि औरंगजेब तक कह दिए हमारे गहलोत जी को, बाद में पता चला कि नगर निगम की में जहाँ पे इनके 34 पार्षद हैं उन लोगों ने एक आदेश पारित किया था उस शिवलिंग को हटा दिया जाए, तो इनके कृत्य से ठीक है समय समाप्त होता जा रहा है। आखिरी कमेंट है श्रीवास्तव जी, आखिरी कमेंट पूरा होने दीजिए। चलिए ठीक है, इस तो मैं से बाहर निकलते हैं, समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन देश में जिस तरीके से एक बयान पर हत्याओं का दौर अब शुरू हो गया है, एक के बाद एक ही तरह की हत्याएं होती जा रही है, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण देश के लिए है और देश के सौहार्द को बिगाड़ने की तरफ एक कदम है। लेकिन ENBN न्यूज की यही अपील है कि आपसी भाईचारा बनाए रखें और इस तरीके की गतिविधियों से खुद को दूर रखें ताकि देश जो है उसमें सामाजिक सौहार्द पूरे तरीके से कायम रहे। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे ENBN न्यूज। नमस्कार।